हाय फ्रेंड्स, अनीताज दौत में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फलाफिल पिटा पॉकेट, और वो भी बिना ओवन के और बिना मैदे के। बहुत ही हेल्दी डिश है ये, तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं फलाफिल पिटा पॉकेट। सबसे पहले मैंने ये मिक्सी जार लिया है, जिसमें मैंने अभी काली मिर्च पीसी है, और ये ओवरनाइट सॉक्ड यानी कि एक रात भिगोए हुए ये छोले है, चिक पीस में डाल रही हूँ। ये है हरी मिर्च जो मैंने दो ली है, आप जितना आपको तीखा पसंद हो उतनी ले सकते हो। ये है हरा धनिया, वो मैंने एक टेबलस्पून लिया है, और ये है एक प्याज, उसको मैंने चार टुकड़ों में काटी है। जैसे हमें पीसना ही है इसलिए मैंने उसे चार टुकड़ों में काटा है। ये है 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब हम उसे थोड़ा दरदरा हमें पीसना है। इसे देखिए, ये हमारा दरदरा एकदम पीस गया है, देखिए, क्योंकि हमें उसे उसके कबाब जैसे फिलाफिल बना के हमें उसे डीप फ्राई करना है। अब हम उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने डाला नमक, ये है काली मिर्च जो हमने अभी पीसी है, ये है बेसन, और ये है धनिया जीरा पाउडर, ये थोड़ा सा कुकिंग सोडा। बेसन हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें है तो वो बेसन सोख लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें से फलाफिल बना रहे हैं। देखिए, ये 2 स्पून की हेल्प से मैं ये फलाफिल का शेप बना रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, पर ये भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है होती है, हमें अच्छे से इजीली हम उसको ऐसे शेप दे सकते हैं। देखिए, ऐसे 2 स्पून से, और हमारा हाथ भी खराब नहीं होगा और हाइजेनिक भी रहेगा हम 2 स्पून की सहायता से करेंगे तो। देखिए, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ऐसे हम सब फलाफिल हमने बना लिया। अब हम इसे मीडियम हॉट ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। उसको थोड़ा टाइम लगता है, पर हमें मीडियम ऑयल, उसकी हीट हमें मीडियम रखनी है, वरना वो ऊपर से डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। पर हम उसे मीडियम आंच पे तलेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा और एकदम वेट में लाइट हो जाएगा। देखिए, हमने गोल्डन ब्राउन उसे फ्राई कर लिया, एकदम लाइट रहेगा, हम अगर उठाएंगे तो हम एकदम लाइट फील रहेगा ये। अब ये टाइनी पेस्ट के लिए, ये है तिल यानी कि सिसम सीड्स, गार्लिक, ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, नमक, आधा नींबू का रस हम डाल रहे हैं, अगर आपको ज्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे एकदम फाइन पेस्ट उसकी बनानी है। अब ये अभी तो हमारा थोड़ा दरदरा है, तो अब हम उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, फ्रेश दही यानी कि कर्ड हमें डालना है, ज्यादा खट्टा ना हो ऐसा। और अब हम उसे पीसेंगे तो एकदम फाइन पेस्ट जैसा हो जाएगा, आप उसे पतला या थोड़ा थिक रख सकते हैं। अब हमने ये लिया हमारा व्हीट फ्लोर, आप ले सकते हो या व्हीट फ्लोर और मैदा ले सकते हो साथ में। इसमें ये बेकिंग पाउडर और नमक हम डाल रहे हैं, और ये थोड़ा सा तेल 1 से 2 टेबलस्पून, और हम उसमें से आटा गूंथेंगे यानी कि उसका हम डो बना रहे हैं। बिल्कुल रोटी की तरह हमें उसका डो बनाना है, रोटी जैसा ही नरम, जैसे आप घर में रोटियां बनाते हो उसका डो जैसा रखते हैं ऐसा ही टेक्सचर हमें उसका रखना है। देखिए, थोड़ा नरम। अब उसे थोड़ा ऑयल से हम एकदम से अच्छे से मैश करके उसको हम रख देंगे थोड़ी देर, ऐसे उसको अच्छे से लपेट के हमें इन टक करके हमें उसे रखना है। उसे हमें कम से कम 30 मिनट तक उसे ढक कर साइड में रख दीजिए। अब देखिए, 30 मिनट हो गई है, इसमें से हम उसकी छोटे छोटे बॉल यानी कि लोइयां बना के हम उसमें से रोटी बनाएंगे।
हमें एक ही साइज की दो दो रोटी की हमें पेयर बनानी है। देखिए पहले मैं दो रोटी का इसमें से हम बना रही हूँ, इसमें से हम दो पॉकेट हमें मिलेंगे। सबसे पहले ये एक रोटी हम बेल लेते हैं, हमें नहीं तो बहुत पतली और नहीं बहुत मोटी ऐसी रोटी हमें बनानी है, पर हमें बड़ी रोटी चाहिए, बड़ी बेलनी है हमें। देखिए हमारी एक रोटी तो हो गई तैयार, अब हम दूसरी बेल रहे हैं, वो भी दोनों रोटियां हमारी सेम साइज की होनी चाहिए। अब हम मैंने ये मैदे की या आटे की पेस्ट बनाई है, उसको हमें सिर्फ बॉर्डर पे ही लगाना है, बीच में गलती से भी नहीं लगनी चाहिए, वो हमें खास ध्यान रखना है, एकदम चारों ओर बॉर्डर पे ही हमें लगानी है। इसके ऊपर हम ये दूसरी रोटी रखेंगे तो वो चारों ओर से हमें उसको प्रेस करके हमें उसे चिपका देंगे, तो ये चारों ओर से अच्छे से सील हो जाएगा और बीच में से खाली रहेगा। देखिए अगर उसकी ये जो बॉर्डर है वो खुल गई हो तो हमें उसे एकदम एक के ऊपर एक ऐसे रख के हमें प्रेस करके उसको अच्छे से सील कर लेना है। और अब हम उसे तवे पे हल्की आंच पे उसे सेकने जा रहे हैं, एकदम हल्की आंच हमें रखनी है। देखिए ये बीच में से फूलने लगी है, चारों ओर तो हमने उसको सील कर दिया है आटे की पेस्ट से, और ये बीच में से एकदम फूल जाएगी। देखिए कितनी अच्छी फूल गई। ऐसे हम सब रोटियां ये पिता ब्रेड हम बना लेंगे। और अब हम बीच में से उसको काट के हम वो ये उसके दो पैकेट हमें बनाने हैं। देखिए हो गए, कितनी मस्त इसमें से स्टीम निकल रही है, अभी अभी हमने बनाई है रोटी। हो गए हमारे पॉकेट, इसी तरह हम सब पॉकेट रेडी कर लेते हैं। अब ये मैंने मिक्स सलाद जो बनाया है, अब ये सबसे पहले ये पॉकेट में हम ये जो रेड चिली गार्लिक चटनी यानी कि लहसुन और लाल मिर्च की चटनी हमने लगाई है एक साइड, और दूसरी साइड ये जो हमने टाइनी पेस्ट तिल की बनाई थी वो लगाएंगे, वो हमें अच्छी खासी लगानी है, जितनी आपकी पसंद हो एक स्पून। और ये जो मिक्स सलाड है, ओनियन, कैरेट, केबेज और कैप्सिकम ये रखा, इसमें मैंने ये दो फलाफिल रखे, उसको हल्का सा प्रेस किया और उसके ऊपर और भी सलाद हमने रखा। और ये जो हमारे टाहिनी पेस्ट है ये थोड़ी सी ऊपर डालेंगे, उसको पतला करके भी आप सॉस की तरह भी डाल सकते हो। और ये मैं केचप डाल रही हूँ, उसकी जगह हमने जो लाल मिर्च की चटनी बनाई है वो भी आप डाल सकते हो। तो देखिए हमारा ये पिता पॉकेट रेडी हो गया। इसी तरह हम सब पिता पॉकेट बना लेंगे, और ऊपर अगर आप चाहो तो हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकती हो। ये एक वन डिश मील इसे हम कह सकते हैं, इसमें सलाद भी आता है, ये छोले की जो हमने फलाफिल बनाए जो टिक्की वो भी एकदम हेल्दी है, और ये जो पॉकेट है वो हमने उसमें मैदा भी यूज नहीं किया, यीस्ट भी यूज नहीं किए, और उसे हमने एकदम आसानी से तवे पे घर की रोटी की तरह ही बना लिया है। तो अगर आप ये आधा खाएंगे ये पॉकेट, एक मतलब एक पॉकेट आप खाएंगे तो भी आपको बहुत आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। आप इसे टिफिन बॉक्स में या ब्रंच में भी यूज कर सकते हो, खा सकते हो, कोई गेस्ट आए तो उसमें ब्रंच में उसको आप खिला सकते हो, बहुत ही हेल्दी है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।